कोई है। तो हेलो जी, देखती आंखों और सुनते कानों को राहिल शब्बीर का सलाम। और अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ और इस टाइम मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद के अवारी होटल में हूँ। आज मैंने सारा दिन इसी रूम के अंदर गुजारना है, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। और इसके अलावा मेरा रोज़ा है तो मैं बाहर भी नहीं जाना चाह रहा, तो आज सारा दिन मैंने इसी रूम के अंदर गुजारना है। और रूम में अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी इस टाइम रूम बहुत मेसअप है, अभी बहुत गंदा है इस टाइम रूम। और कल के हम लोग यहाँ पे आए हैं, मैं हम से मुराद मैं और मेरे एक कज़न है। अभी रूम सर्विस वालों ने आना है और उन्होंने यहाँ पे रूम क्लीन करना है, उसके बाद मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। और एक और बात, मैं जब किसी नई जगह पे जाता हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे बहुत मुश्किल से नींद आती है, लेकिन ऐसी को कमाल की नींद आई है ना यहाँ पर, ऐसी को कमाल की नींद आई है ना, मतलब चस आ गई है, चस आ गई, मज़ा आ गया। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और इस टाइम 12:01 बज चुके हैं और रूम भी क्लीन हो चुका है। और अभी सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो है नहाना। कल का मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी मुझे इमरजेंसी होना स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले नहाते हैं। नहीं नहीं, मतलब कि मैं नहाता हूँ, आप लोग नहीं, मैं नहाता हूँ और मैं आप लोगों को वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम किस तरह का, वॉशरूम बहुत ज़रूरी है, वॉशरूम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, मैं उस टाइम से सोच रहा हूँ कि यार ये ग्लास का यहाँ पे क्या काम है, मतलब ग्लास क्यों है इस जगह पे वॉशरूम के अंदर, मतलब अगर मुझे नहीं पता, मेरा पहला एक्सपीरियंस है शायद इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये ग्लास का वॉशरूम के अंदर क्या काम है मुझे नहीं समझ आ रही। और ये कुछ चीज़ें हैं साथ, ये है शैम्पू, है शैम्पू, फोकस हो जा, फोकस हो जा, फोकस हो जा, नहीं फोकस हो रहा, फोकस क्यों नहीं हो रहा, बल मैं ये यूज़ तो नहीं करूँगा। और यहाँ पे एक अदद ड्रायर भी दिया गया है। अभी मैं नहाता हूँ, फिर नहाने के बाद मैं आपको रूम टूर दिखाता हूँ रूम कैसा है। अभी मैंने नहा लिया है और अभी मैं थोड़े से बाल सेट करने लगा हूँ। तो अब मैंने नहा लिया है और अब रूम टूर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले चीज़ के मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं शो ऑफ करूं कि यार मैं अवारी होटल में आया और यहाँ पे मैं डे स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पे आके, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है। मैं जस्ट क्यूरियस रहता था कि यार इतने आप एक्सपेंसिव होटल में जा रहे हैं और आप सिंगल नाइट का 10,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो ये वर्थ इट है कि नहीं है। तो वही चीज़ चेक कर रहा हूँ, मैं भी चेक कर रहा हूँ और मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मेरा बिल्कुल नहीं है कि मैं शो ऑफ करूँ। इट्स लाइक एन अपार्टमेंट और यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे इसके अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट रूम्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सारा भी पोर्शन हमारे पास ही है, ठीक है ना, वैसे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे इस चीज़ को। और यहाँ से हम भी हम लोग अगर बाहर वाली साइड पर देखते हैं तो ये इसकी पार्किंग आ जाती है। अब जाते हैं रूम की तरफ, ये है जी रूम 119, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंटर होते हैं और ये रहा जी रूम, मतलब छोटा सा रूम है लेकिन बहुत अच्छा रूम है। सिंगल सिंगल दो बेड लगे हुए हैं क्योंकि मैं अपने कज़न के साथ हूँ, तो हमने सिंगल सिंगल अलग अलग बेड करवाया। ये पेंटिंग चेक करें आप, हालांकि मुझे समझ कुछ नहीं आ रही। और उसके बाद अगर हम लोग इस साइड पे जाते हैं तो रूम का व्यू चेक करते हैं, ये रूम का व्यू सेम उसी तरह है, मार्किंग नज़र आ रही है यहाँ से भी। पीछे करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो पीछे ये वॉशरूम है, वॉशरूम में पहले दिखा चुका हूँ। अच्छा, ये इन्होंने फ्रिज रखी हुई है, ये इट्स अ फ्रिज, ये यहाँ पे इनकी आकी मेन्यू आ गई, ये मेन्यू इनकी है और इसमें ब्रेकफास्ट
कॉन्टीनेंटल ब्रेकफास्ट, अमेरिकन ब्रेकफास्ट, पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट। अभी जो फ़िलहाल चल रही है ना वो इनकी ये अफ्तार मेन्यू चल रही है, ये अफ्तार प्लेटर मेन्यू फॉर रूम सर्विस, और ये है फॉर अ सिंगल पर्सन प्लस टैक्स। जब हम लोग कल यहाँ पहुँचे थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और फिर आते साथ में 12 बजे मेरे ख्याल से यहाँ पे चेक इन किया था हम लोगों ने, और आते साथ में हम लोग सो गए थे, और उसके बाद फिर हम लोग उठे और फिर हमारा बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था। हमारा दिल तो नहीं कर रहा था ये वाली मेन्यू जो अफ्तार मेन्यू है यहाँ से करने से, हमारा था कि हम लोग बाहर जाएंगे वहाँ से घूमें फिरेंगे वहाँ से खाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग थके हुए थे, हमने कहा चलो यहाँ से मंगवा लेते हैं। लेकिन लेकिन बहुत मज़े का था। ये इन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं साथ, ग्रीन टी है, एप्पल फ्लेवर है, और ये लेमन आ जाता है ग्रीन टी, उसके बाद ये एवरीडे मिल्क है, ये सारी चीज़ें। लेम बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये चेक करें अगर नज़र आ रहा है, ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये होटल का इनका मैप है, ऐसे एमरजेंसी के लिए लगा हुआ है, और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे हैं रूम 119। यार फाइनली वो जो वॉशरूम में ग्लास रखे हुए हैं ना, वो उसकी रीज़न पता चल गई मुझे, क्या उसकी रीज़न है। मेरे दिमाग में वो फंस गई थी कि यार वो जैसे कोई मूवी की सीन में आ जाती कि यार वो मूवी मैंने देखी हुई है, उसका नाम क्या था। नहीं यार वो नाम नहीं जेहन में आ रहा, फिर मेरी आदत है कि यार वो नाम जेहन में आएगा तो अगली बात होगी, तब तक बात नहीं होगी। इस तरह वो ग्लास फंस गया था कि वॉशरूम के अंदर ग्लास कर क्या रहा है, अब पता चला है वो शेविंग के लिए यूज़ होता है। मैंने आज तक की नहीं शेव, मतलब कि मैं मशीन ही यूज़ करता हूँ तो उसके लिए यूज़ होता है। शुक्र अब मैं आराम से कुछ और कर लूँगा। जिम चेक करें आप, मतलब बेसिक इक्विपमेंट सारी हैं इनके पास, डंबल्स वगैरह पीछे पड़े हुए हैं सारे। ठीक है अब मैं रोज़े के साथ जिम तो नहीं करूँगा ना। फाइनली वी आर ऑन थर्ड फ्लोर, मेरा इस रूम जो वो है फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन ये थर्ड फ्लोर में अभी देखने के लिए आ गया हूँ, और ऊपर से सीन अच्छे हैं, मतलब क्या सर्विसेज अच्छी हैं इनकी, मतलब के जिम भी देखा जाए तो जिम भी मतलब काफ़ी अच्छा जिम था यार, मतलब जो लोग डिमांड करते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भाई कर सकते हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस है यार, डिफरेंट एक्सपीरियंस है एक 5-स्टार होटल में स्टे करने का। हाँ एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक और होटल है उसका नाम है सरीना होटल, और वो मैं चेक कर रहा था, वो पर डे 32,000 रुपीज़ पर डे, मतलब सीरियसली 32,000 रुपीज़ पर डे, और इसका 10,000 रुपीज़ पर डे। ठीक है बैक इन माई रूम, और शुक्र है ज़्यादा जिम ने की बच गया। सब लोग ये वाली जगह ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब कल से इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ इसमें 5 या 6 कमरे हैं, एक 119 जो हमारे पास है, एक ये 120 है, एक ये है और एक ये सारे के सारे खाली हैं सिवाय इसके, इस रूम के अंदर कोई है। और यकीन करें कल से हमें सिर्फ और सिर्फ खराटों की आवाज़ें आ रही हैं और कुछ नहीं आ रही, और फुल बाइक की तरह अच्छा एक चीज़ से एग्री करना पड़ेगा कि यार सर्विसेज तो हैं, सर्विसेज नो डाउट कि सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पे फ़ोन भी लगा हुआ है, अगर हम लोग कॉल करते हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स वो आपके जो भी आप चीज़ डिमांड करते हो वहाँ पे आ जाती है, तो सर्विसेज तो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है सर्विसेज। अभी सुबह सहरी का टाइम है, और सहरी के लिए खाना आ गया होटल की तरफ से, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या आया है। ये प्रॉपरली सारा रैप है,
इसको ऐसे करके रैप को उतारना है, इसके अंदर कुछ, लेकिन अभी मुझे भूल गया इसके अंदर आया क्या था। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है अंडा और ये आया है सालन, ठीक है, दोनों सेम है। ये लस्सी है और ये कज़न ने आई थिंक सो कोई जूस मंगवाया था, और ये पराठा है, ये पराठा है, ये है सैरी का खाना हमारा। और अभी लेट हो रहे हैं, कज़न भी अंदर वॉशरूम गया हुआ है, और जल्दी जल्दी से हम लोग करते हैं सैरी। दैट इज़ इट, दैट इज़ इट, अभी सो के उठे हैं, बात नहीं हो रही है, दैट इज़ इट, ओके बाय।